दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है और कांग्रेस महासचिव ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बीजेपी पर लगातार आक्रामक प्रियंका गांधी होती हुई दिख रही है। और इस बार एक बार फिर से दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि पर उन्होंने जब ट्वीट किया तो कांग्रेस महासचिव ने केंद्र की सरकार पर ही ना सिर्फ बल्कि यूपी की सरकार पर भी निशाना साधा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले उनका दौरा हमने देखा लखनऊ में और उस दौरान ये कहा गया कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश की गई, तो ऐसे में एक बयान उनका एक ट्वीट के जरिए ये उन्होंने साफ कह दिया है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी का, जहां पर उन्होंने कहा है कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हिंदी जुबान के महान कवि दुष्यंत कुमार को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए ये ट्वीट यहां पर प्रियंका गांधी ने किया है। और इसके साथ ही जहां पुण्यतिथि पर दुष्यंत कुमार को याद किया गया, वहीं उनकी एक कविता के जरिए यहां पर ये बतलाने की कोशिश की गई कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है और केंद्र की और यूपी सरकार पर ये जोरदार हमला इस कविता के जरिए।